आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और अब समाचार विस्तार से। जिले भर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें महाराणा प्रताप स्मारक पर संन्यास आश्रम द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इसके पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसी प्रकार शहर में अनेक जगह महाराणा प्रताप के त्याग बलिदान को याद कर वीर शिरोमणि को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। ये जीवन मूल्यों के लिए थी, भारतीयता के लिए थी, धर्म के लिए थी, हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए थी। महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, इसलिए पूजनीय हो गई और हम सब आज पुष्पांजलि करने के लिए आए हैं। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर संन्यास आश्रम द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी महाराणा प्रताप स्मारक पहुंची। इसके पश्चात पुष्कर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप द्वारा किए गए त्याग बलिदान और संघर्ष के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए अपने अपने विचार रखे गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद, विधायक, भाजपा पदाधिकारी और महाराणा प्रताप समिति से जुड़े अनेक सदस्य उपस्थित रहे। पहली शर्त उन्होंने जो अकबर ने रखी वो ये रखी कि आपकी जो पाग है मेरे से आप जरा झुक करके और अभिवादन करिए, पाग को झुकाइए जरा और फिर मेरे से अभिवादन करें। महाराणा प्रताप ने कहा नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आपका जो घोड़ा है उसके पुट्ठे पर शाही दाग लगवा लीजिए, निशान लगवा लीजिए। उन्होंने कहा मेरे घोड़े के पुट्ठे पे दाग नहीं लगे। तीसरी बात उन्होंने कही और वो ये कही कि आपकी जो महिलाएं हैं वो हमारे यहाँ नवरोज का जो कार्यक्रम हम करते हैं उसमें आएंगी। उन्होंने कहा हमारी महिलाएं नवरोज नहीं आएंगी। तीसरी बात कही कि आपकी बेटी की शादी हमारे परिवार में कर दें। उन्होंने कहा मैं किसी भी परिस्थिति में यह नहीं करूंगा। चौथा ये कहा कि हमारे यहाँ ईद और ये जो त्योहार होते हैं उनमें आप यहाँ आइए, हमारे साथ रहिए, जुम्मेरात का जागरण करिए। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आप ये जो विक्रम संवत शक संवत लिखते हो इसकी जरूरत नहीं है, मैं बादशाह हूँ, मैं हिजरी संवत लिखता हूँ, आप हिजरी संवत लिख लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं विक्रम संवत लिखूंगा, हिजरी संवत नहीं लिखूंगा। इसने ये कुछ जो जीवन के मूल्य है, मंदिर है, गाय है, उसकी रक्षा के लिए जो संघर्ष है, महाराणा प्रताप ने वो बात नहीं मानी, इसलिए महाराणा प्रताप और जिन्होंने मान ली उनके नाम पता भी आज मालूम नहीं है दुनिया को, पर पुष्पांजलि छोड़ोगे घरवाले ही याद नहीं करते और तो छोड़ ही और इसलिए दोनों का जो अंतर है कि महाराणा प्रताप पूजने क्यों है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ना आजकल के भाई महाराणा प्रताप का तो जो लड़ाई थी वो लड़ाई तो जमीन के कारण थी और कोई रियासत को बढ़ाने के लिए थी, ये सारी चीजें रियासत को बढ़ाने की थोड़ी थी, ये जीवन मूल्यों के लिए थी, भारतीयता के लिए थी, धर्म के लिए थी, हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए थी। महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, इसलिए पूजनीय हो गई और हम सब आज पुष्पांजलि करने के लिए आए। और अकबर की जयंती इस हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति मनाने वाला नहीं है और उसके खानदान का कौन सा व्यक्ति हम तो ढूंढ रहे हैं दूरबीन लेकर के, वो भी कहीं नजर नहीं आता हमको, ये सब चले गए। इसलिए महाराणा प्रताप अजर है, अमर है। मुझे बस इतनी सी बात कहनी थी। प्रेस्क्रिप्शन लिखा कि महाराणा प्रताप पर कोई न कोई विवादित या विवाद को उकसाने वाली टिप्पणी की जाए, ये किसी के हेल्प के लिए ठीक नहीं, किसी के स्वास्थ्य के लिए ये चीज ठीक नहीं। कई बार महाराणा प्रताप की जब व्यसन पीड़ित की बात करती हमको ये लगता है कि बात वो कही जाए जो डबल कॉलम अखबार है, सब पहले से तय करके आते हैं एक इस विषय को बोलना और विषय वो जो अनावश्यक रूप से जिसका महाराणा प्रताप से कोई संबंध नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उन सारे विषयों को जिंदा नहीं। पिछले दिनों एक बयान पढ़ने को मिला, सुनने को मिला, उसमें एक आ गया कि महाराणा प्रताप का जो युद्ध था वो सत्ता प्राप्ति के लिए राज्य के लिए था। ये बयान देने वालों ने मुझे पता नहीं उनका शिक्षक कौन होगा या उनको ब्रीफ करने वाले कौन सज्जन होंगे, पर दो तीन बातों की पृष्ठभूमि में हम सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
कि महाराणा प्रताप के लिए जब ये बात कहते हैं कई लोग, तब राणा सागर के बारे में थोड़ा चाहिए पीछे। बाबर ने जब आक्रमण किया उस समय तो कोई मुस्लिम यहाँ पर शासनारूढ़ नहीं था, या कोई बादशाह हो या किसी सत्ता का प्रमुख हो, ऐसा यहाँ पर प्रमुख है हिंदुस्तान में बड़ी जगह पे ऐसा कुछ था नहीं। पर जब राणा सांगा ने बाबर का मुकाबला 1527 में थामा के युद्ध के मैदान में किया, तो कौन सा सत्ता के जुड़ा हुआ विषय होगा, कौन से राज पे काबिज होने का विषय होगा, तो विदेशी आक्रमण था। पहली बार बारूद लेकर के गोले और तोपों के साथ में यहाँ आया था, हम परंपरागत रूप से हथियारों से लड़े थे, हमारे पास भाले तलवार इस प्रकार के जो हथियार होते थे जो निकट से नजदीक से ही लड़ा जा सकता है। तो एक विचार करिए कि महाराणा प्रताप के जो पुरखे थे उनमें खून जिस बात का था वो क्या था, राष्ट्र रक्षा का भाव। और राष्ट्र रक्षा में एक आपका भूमि हो गई, भौगोलिक परिस्थिति हो गई, दूसरा आपका धर्म हो गया, तीसरा आपकी जीवन शैली होगी। ये जो अस्मिता के प्रतीक चीजें हैं जिसके कारण मनुष्य की पहचान है, जात की पहचान है, देश की पहचान है, उस पर जो हमला जिस किसी ने किया उसका मुकाबला राणा सांगा ने भी किया। वो राणा सांगा को नहीं छेड़ते, वो जानते हैं राणा सांगा का नाम लेने पर दिक्कत होगी। उसके बाद आ जाइए और हम जब इस परिस्थिति में महाराणा प्रताप ने जो युद्ध किया या महाराणा प्रताप का अकबर के साथ में जितने युद्ध हुए, अकबर की सेना के साथ में जितने युद्ध हुए, उनके प्रतिनिधियों के साथ में जितने युद्ध हुए, तो शर्तें क्या थी अकबर की? अगर इन शर्तों को ये पढ़ ले तो सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अकबर की किसी भी सत्ता पर हमला करते समय, किसी हिंदू शासक पर हमला करते समय उसकी जो शर्तें होती थी वो तो शर्तें क्या? उसकी रोड से निकालकर इंदिरा नगर योजना को प्रारंभ किया, अजमेर की सड़कों की हालत खराब थी, और 2008 का एक मौका मिला मुझे कि राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह अजमेर में मनाया जाएगा, वो बागडोर अजमेर लड़की के नाम पर हमको मिल गई थी, उसको सफल करने के लिए कई तरह के विकास कार्य प्रारंभ किए। उस समय 22 सड़कें अजमेर की आप जो देख रहे हैं आज चौड़ी, उनकी चौड़ी करने की शुरुआत उस समय हमने रखी, सारी सड़कों को चौड़ा किया, और कई लोगों ने चंद्रोदय योजना के अंदर तो लोगों ने खुद ने अपनी दुकानें तोड़ी, हमने जाते किसी के साथ नहीं की, दिल परिवर्तित किया और इस प्रकार को अंजाम दिया। तो महाराणा प्रताप स्मारक की कल्पना जो उस समय थी, और मेरी खुशी है आज जब देखता हूं मैं यहाँ जो मेला लगता है हर रोज शाम के समय, खासतौर से छुट्टी के दिन, तो आप कल्पना करिए कि हमारे मेरे को कितनी खुशी होती है। कुल मिलाकर इस स्मारक की कल्पना थोड़ा इसका रूप परिवर्तित जरूर हो गया, यहाँ पर मानवता भी दीर्घा बनानी थी, दीर्घाओं के स्थान पर अब जिसका जो मौका मिलता है और जिसके दिमाग में जो रहता है वो काम करता है, इस आगे जाकर नाग पार्क तक इसको जोड़ना था, पिलर के आधार पर ऊपर पार्किंग हो जाती और नीचे 2000 लोग बैठ सके ऐसे हॉल, जैसा भी हुआ जिस रूप में भी है समय मिलेगा और इसमें विस्तार होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद कई योजना चालू भी की लेकिन योजना स्थायी नहीं रहती, यहाँ एक लेजर शो चालू किया गया, मुझे बताया गया 2.5 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा किया गया, तो मैं समझता हूँ वो 2 महीने भी नहीं चला। तो ऐसे खर्चे नहीं करने चाहिए, खर्चे ऐसे करो जो स्थायी हो और शहर के इतना हो अजमेर के इतना हो। ये जगह इसलिए मैं जब होटल में होटल चलाता हूँ यहाँ आने वाला पर्यटक मैक्सिमम पर्यटक पुष्कर जरूर जाता है, पुष्कर जाता है लेकिन मेवाड़ नहीं जाता है,
मानवता को नमन करने का मौका नहीं मिलता है। मानवता के बिना राजस्थान की कल्पना अधूरी है, राजस्थान के बिना हिंदुस्तान की कल्पना अधूरी है। ये तो इतिहास संकलन वाले ज्यादा जानते हैं। मानवता का नाम निशंक है, उनको लोग नमन करें, उनको याद करें, उनको देखें और यहाँ आकर फोटो खिंचवाएं, वो कल्पना साकार हो रही है। कुल मिलाकर मैं केवल अपनी भूमिका के साथ ये कहना चाहता हूँ कि स्मारक आगे जाकर और भी अच्छे रूप में आ जाएगा, क्योंकि एक बार काम प्रारंभ हो गया है, लोगों का आना जाना चालू हो गया है, लोग खूब फोटोग्राफी करके जाते हैं, दिखाते भी हैं, पुष्कर जाने वाला यात्री देखता है। लेकिन काम आगे चलता रहा तो समय चलाना इसका बच्चा है, कहीं इधर उधर हो गया, पता नहीं टूटा या कहीं रखा था, उसका फोटो दे दिया है प्रशासन को, तो चलाना इसका पत्थर भी हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी लग जाए यहाँ पर। कुल मिलाकर हर आग्रह पर आप लोग खुला रहे हैं, ज्यादा समय नहीं था, सरकार जी के जयंती का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, मैं लगा साहब से एक आग्रह जरूर करूंगा आज अंदर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि पृथ्वीराज चौहान की जयंती के साथ महाराज साहब की जयंती को जोड़ते हुए 7 दिन 8 दिन 10 दिन का एक कार्यक्रम ऐसा बने जो जयंती हो जाए, तो मैं आपको कहूंगा पृथ्वीराज जी के बिना भी राजस्थान की भूमि में जो शौर्य त्याग और बलिदान के प्रति जो महापुरुष हुए हैं, उनमें श्री महाराणा प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के सूर्य के समान रहे हैं। पूरे देश की बात करें या राष्ट्र की अस्मिता की बात करें तो हम दो शब्दों में राष्ट्र की अस्मिता को महाराणा प्रताप और शिवाजी के नामों से पहचानते हैं, जिन्होंने अपने शौर्य त्याग बलिदान देशभक्ति और मातृभूमि के रक्षा के लिए जो आजीवन संघर्ष किया उससे हमारा इतिहास अमर बन गया। उस तत्कालीन समय में जब भारत में विदेशी आक्रांताओं का शासन था, उस समय भारत में जननायक के रूप में खास करके राजस्थान में महाराणा प्रताप का उदय उस समय की परिस्थितियों का परिणाम है। महाराणा प्रताप वैसे तो राजसी परिवार के थे, सभी जानते हैं कि महाराणा संगा के पुत्र और उदय सिंह के पुत्र, माता जयंतीबाई के पुत्र श्री महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। उसके पहले की कहानी बड़ी त्रासदी थी, जब उदय सिंह को चित्तौड़ के किले में जौहर के बाद पलायन करना पड़ा और उन्हें उदयपुर बसा के राजसी परिवार के साथ वहां बसना पड़ा था। 2007 से लगाकर अभी तक प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन महाराणा प्रताप समारोह समिति आयोजित करती रही है। आज इसी संदर्भ में एक अच्छा भव्य समारोह मुख्य समारोह अजमेर में हुआ है और आज गोष्ठी भी हुई है और महाराणा प्रताप को सबने श्रद्धांजलि भी दी है माल्यार्पण करके फूलमाला के माध्यम से। और आप सब देश अजमेर वासियों को बधाई देता हूँ कि यहाँ अजमेर में जो महाराणा प्रताप का भव्य स्मारक बना है, इसकी कल्पना इसीलिए की गई थी कि प्रतिवर्ष सभी अजमेर वासी, हालांकि सवेरे से यहाँ पर तांता लगा हुआ है श्रद्धांजलि देने वालों का, महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने वालों का, और शाम तक चलता रहेगा, ये इसी संदर्भ में आयोजन किया गया है। आने वाले आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अजमेर की जनता को बहुत बहुत साधुवाद। शौर्य और संघर्ष के प्रतीक इस मेवाड़ की राजस्थान की पुण्य धरा पर विजुकृषि प्रवृत्ति के धनी, जिन्होंने आजीवन कभी भी मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं की, उनसे संघर्ष किया और अपना शासन अपना राज्य उन्हें स्थापित किया, ऐसे प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप की आज 482वीं जन्म जयंती है और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम आयोजित किया गया और मैंने भी यहाँ आकर के अपने जो उनको सादर वंदन और नमन करते हुए उनको पुष्पांजलि अर्पित की है।
निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जो कि महान है, जिनके नेतृत्व में इस देश की देश ने कभी गुलामी की दास्ता स्वीकार नहीं की, लगातार उनके संघर्ष के प्रति वो बने रहे और विजेता होकर के हमारे नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। राजकीय महाविद्यालय अजमेर में महाराणा प्रताप की जयंती छात्र छात्राओं द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने महाराणा प्रताप अमर रहे के नारे लगाए। मौके पर उपस्थित छात्र नेताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार जीवन में संघर्ष किया और घास की रोटी खाकर हिम्मत नहीं हारी, ऐसे महान वीर के पदचिन्हों पर हम सबको चलना चाहिए और जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। प्रताप जी की जयंती मनाई यहाँ पर, और जिस तरह से महाराणा प्रताप जी ने देश में जो वीरता का, दृढ़ संकल्प का जो उन्होंने संदेश दिया पूरे युवाओं को, देश के भारत को, वो आज हम युवाओं को सोचने की आवश्यकता है। जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके कभी हार नहीं मानी, हल्दी घाटी का युद्ध था, छोटी सी सेना थी, बड़ी बड़ी सेनाओं को, मुगलों की सेनाओं को उन्होंने पराजित किया, जो संदेश है आज जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, जंगलों में उन्होंने घास की रोटी खाई, आज हमें उस सोचने की बात है कि हम भी उनके नक्शे कदमों पर चले, उनके जो मार्गदर्शन है उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। हम युवाओं को एक साथ एकजुट होकर के कभी भी किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे हमें उसके लिए चाहे कुछ ना कुछ करना पड़े। जिस तरह से महाराणा प्रताप जी ने एक संदेश देना चाहते थे कि हम युवाओं को एकजुट रहना चाहिए, और आज जिस तरह से देश में माहौल अराजकता का जो हमें एक दूसरे को तोड़ने पर तुली हुई है ताकतें, उन ताकतों को भूल करके हम सभी युवाओं को, भाईचारों को, सबको, हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों को, सब भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यही संदेश हम भी आज जिस तरह से हमने जयंती मनाई, हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि सबको मिल करके रहना चाहिए, देश को तरक्की में अपनी भागीदारी बननी चाहिए। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, वैसे हर युवाओं को देश के लिए संघर्ष करना चाहिए। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरी और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं? तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।
और यहाँ इकट्ठा होने का मकसद तभी पूरा होता है जब आज के दिन हम कुछ प्रण लेके यहाँ से जाते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर आज राजपूत छात्रावास अजमेर में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सह संयोजक शक्ति प्रताप सिंह राठौर के मुख्य अतिथि में किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके द्वारा दिया गया महान बलिदान इतिहास में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में राजपूत समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज के इस सावन अवसर पर मैं हमारे धर्म के रक्षक शौर्य पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप जी को अभिनंदन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मंच पर विराजमान आदरणीय विक्रम सिंह जी डॉक्टर को वीरेंद्र सिंह अर्पेश्वर मोहन सिंह साहब सुमेर सिंह डॉक्सर जय सिंह डॉक्सर सामने विराजमान मेरे सभी बड़े सब बना महिषा मातृशक्ति मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि वास्तव में आज एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला जिससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। जैसा कि जयसिंह अवसा ने फरमाया कि जरूरी नहीं किसी भी कार्यक्रम का भीड़ एक हिस्सा हो, हम सब परिवार के लोग बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जिस जगह हम बैठे हैं उसकी महत्ता भी यही है और उसकी उपयोगिता भी यही है और शायद मैं समझता हूँ कि इस जगह को बनाने का उद्देश्य भी। महाराणा प्रताप के बारे में आप सब लोगों को बताया, हम पढ़ते भी हैं, हमें काफी लोगों को काफी कुछ जानकारी दी है। विक्रम सिंह डॉक्टर ने जितनी बातें बताई सब अंगीकार करने योग्य हैं और इस जयंती को मनाने का और यहाँ इकट्ठा होने का मकसद तभी पूरा होता है जब आज के दिन हम कुछ प्रण लेके यहाँ से जाते हैं और कुछ लंबा चौड़ा प्रण नहीं लेना है। सौभाग्य से जिस कौम में जिस कुल में हमने जन्म लिया है मैं समझता हूँ कि काफी पुण्य करने के बाद ऐसा सौभाग्य मिलता होगा कि हमने क्षत्रिय कोख से जन्म लिया, शत्रणी की कोख से हमने जन्म लिया। शौर्य पराक्रम संस्कार सदाचारी ये सब हमारे खून में है, ये सब हमारे ब्लड में है। आवश्यकता सिर्फ इतनी सी है कि हमें उस चीज को पहचानना है, हमें इस चीज का स्वयं को आभास होना चाहिए। अजमेर के दौरान रेलवे स्टेशन के नजदीक विश्वकर्मा नगर स्थित सालासर ऑयल मिल फैक्ट्री में तड़के सुबह अचानक भीषण आग लग गई जिसके कारण क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तेल मजाक थोड़ी वैसे तो वाला खाली रहता है कहीं करी जब और आपकी डबल डबल भरा डबल डबल भरा हुआ खाली रहते नहीं कोई यार अजमेर के दौराई रेलवे स्टेशन के नजदीक विश्वकर्मा नगर स्थित सालासर ऑयल मिल फैक्ट्री में अल सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार देखा जा सकता था। वहीं भीषण आग देखकर क्षेत्र में भय का माहौल उत्पन्न हो गया। क्षेत्रवासियों ने आग लगने की सूचना फैक्ट्री मालिक सहित स्थानीय पुलिस को दी जहां पर दमकल विभाग के अधिकारी संजय शर्मा ने बिना वक्त गंवाए दलबल के साथ मौके पर जा पहुंचे जहां 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। मामले की सूचना पर रामगंज थाना पुलिस भी मौके पर आ पहुंची। भीषण आग के चलते फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से फैक्ट्री मालिक को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का आकलन लगाया जा रहा है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कोई ऑयल कंपनी का कोई बड़ा वो गोदाम है उसमें आग लग रही है, ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी। और पीछे रेलवे स्टेशन पे अपने स्टॉक यार्ड इनका जहाँ पे कट्टे में अपने खाने का सामान कुछ रखा हुआ है, ये सूचना मिलते ही हमने तुरंत यहाँ पे गाड़ियाँ रवाना करी। करीब 7-8 गाड़ियाँ लेकर के हम मौके पे पहुंचे और बाकी काम जो चल रहा है आप देख रहे हैं आग बुझा चुके हैं। ये तो जब मौके पे पहुंचते तो आग ने तो विकराल रूप धारण किया हुआ ही रहता है।
पौधा में एडिबल ऑयल है, खाने वाला तेल है, उसके टैंक है यहाँ पे। मे बी पॉसिबल कि ये लोग यहाँ पे पैकिंग करते होंगे उसकी, वो पैकिंग के लिए बड़े टैंक इन्होंने बना रखे हैं, उनमें से आग लगी है। और बाकी पूरा ये देख रहे हैं आप जो कार्टून है, इन कार्टून में आग लगी हुई है। सूचना मिली थी 5:40 पे के ऑयल डिपो में आग लग गई है, तो 5:40 पे सूचना मिलने पर 5:50 पे यहाँ पहुँच गए और आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 80% लगभग बुझ चुकी है, थोड़ा बहुत और जो उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस काम पे आग काबू पाया है और ये ऑयली आग है। हम कड़ी मेहनत कड़ी मशक्कत से इस पर काम करे जा रहे हैं और हमारा यही है सिद्धांत है कि इसको पूरी काबू में लेने के बाद ही हम यहाँ से पूरी दम का पूरे फायर ब्रिगेड पूरी आ चुकी है। पुष्कर सरोवर में अचानक एक बार फिर एक युवक की लाश तैरती हुई मिली। इस पुष्कर पुलिस मित्र टीम ने शव को बाहर निकाला। मृतक युवक की पहचान अजमेर निवासी लोकेश के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टेलीफोन इतना मिले कि जयपुर घाट के पास में सरोवर में एक लाश तैरती हुई नजर आ रही है, जिस पर पुष्कर सरोवर में लाशों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। सूचना पर पहुंची पुष्कर पुलिस ने पुलिस मित्र टीम की सहायता से शव को बाहर निकाला। आसपास तलाश करने पर युवक का बैग और कपड़े भी मौके पर मिले। पुष्कर पुलिस के SI अमरचंद ने बताया कि शव को राजकीय चिकित्सालय की मोचरी में रखा कर पहचान का प्रयास किया गया। इस दौरान युवक की पहचान अजमेर निवासी 22 वर्षीय लोकेश पुत्र मनोहर लाल के रूप में हुई है। पुष्कर थाने की SI अमरचंद ने बताया कि मृतक के परिजनों को मामले की सूचना दे दी है। टेलीफोन इतना मिले कि जयपुर घाट के पास में सरोवर में एक लाश तैरती हुई नजर आ रही है, जिस पर मैं और थानाधिकारी महोदय श्री महावीर जी मौके पर पहुंचे। मौके पहुंचकर बॉडी को पानी से बाहर निकलवा कर CIC चेयरघर में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात वारिसान की तलाश की गई। वारिसान की तलाश के दौरान पता लगा कि मृतक अजमेर निवासी है। उसी समय उसके वारिसान तलाश करते हुए आए, तब पता चला कि मृतक का नाम लोकेश मनोहर लाल सिंधी है, उम्र 22 साल, निवासी शोभराज होटल के पीछे गुरनानी मोहल्ला दिल्ली गेट का रहने वाला है। जिसके बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम लाश वारिसान को सुपुर्द कर दी गई, कार्रवाई जारी है। जी, आज सुबह पुष्कर पुलिस थाने से फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि पुष्कर सरोवर में जयपुर घाट के निकट किसी युवक का शव पानी के ऊपर तैर रहा है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मित्र की टीम तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस मित्र टीम से गोताखोर सांवरा शर्मा और हीरालाल मीणा ने मिलकर शव को बाहर निकाला। शव करीब एक दिन पुराना बताया जा रहा है, शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ भी था और युवक की उम्र करीब 25-30 साल बताई गई है। फिलहाल युवक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो किस गाँव से है और संभवतः सरोवर में जो गहरा पानी है उस गहरे पानी में जाने के कारण ही इसकी मौत हुई है ऐसा मान। पूर्व में हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के कैंसिल होने के बाद परीक्षा के दूसरे शिफ्ट के आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कैंसिल हुई थी पीछे, उसकी अब शिफ्ट का आयोजन हो रहा है। पूर्व में हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के कैंसिल होने के बाद दूसरी शिफ्ट का आयोजन आगामी 22 तारीख को किया जाएगा। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों के द्वारा केंद्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी परीक्षा की तैयारियों को लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही है। जो अभी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कैंसिल हुई थी पीछे, उसकी अब शिफ्ट का आयोजन हो रहा है। जो शिफ्ट थी वो 22 तारीख का आयोजन है, उसके लिए तैयारियां की जा रही है। जो अजमेर शहर के सेंटर्स हैं उनको देखा जा रहा है और रिव्यू किया जा रहा है, इसलिए ये भ्रमण किया जा रहा है। शहर में चोरों के साथ साथ चेन स्नेचर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सिंधुबाड़ी क्षेत्र में महिला के गले से एक युवक ने चेन तोड़ ली। पुलिस ने युवक की पहचान होने पर आरोपी को राजेंद्र स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया। एक महिला की चेन तोड़ दी थी, काजल नाम की महिला है जो सिंधुवाड़ी में रहती है, उसकी बहन रहती है, उसके बहन के यहाँ आई थी पुष्कर घूमघाम करके। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के सिंधुबाड़ी इलाके में एक महिला की चेन तोड़कर आरोपी फरार हो गया। महिला अपनी बहन से मिलने आई हुई थी। क्षेत्रवासियों द्वारा आरोपी का पीछा करने पर आरोपी की पहचान प्रकाश नामक युवक के रूप में हुई। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए राजेंद्र स्कूल के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिन में एक महिला की चेन तोड़ दी थी, काजल नाम की महिला है जो सिंधुवाड़ी में रहती है, उसकी बहन रहती है, उसके बहन के यहाँ आई थी पुष्कर घूमघाम करके।
और वो जब उसकी बहन के घर पे पहुंची तो वो घर के बाहर खड़ी थी, उसकी बहन गेट खोल रही थी, पीछे से एक लड़का आया जो उसकी चैन तोड़ के भगा। उन्होंने पीछा किया, पीछा करने के बाद मोहल्ले वालों ने उसको बताया कि ये प्रकाश नाम का व्यक्ति है, लड़का है, जिसने चैन तोड़ी हम जानते हैं, मनुष्य रोड पर था। तो उसमें मुकदमा दर्ज करा, साढ़े चार के आसपास मुकदमा दर्ज हुआ। फिर हमने मुखबिर की इतला पर इसको राजेंद्र स्कूल से प्रकाश को 9 बजे गिरफ्तार किया। सर यार इस राजेंद्र के खिलाफ और भी कुछ प्रकरण है क्या पूर्व में? प्रकाश के खिलाफ नहीं, अभी तक कोई रिकॉर्ड के मुताबिक कोई प्रकरण दर्ज नहीं। लगभग क्या कीमत होगी चेन की? लगभग 28,000 के आसपास कीमत है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।